पहला ते सारयां नूं सत श्री अकाल। तुहाडा जी आयां नूं, तुहानूं तुसीं टाइम कढ के इत्थे आए हो। अज दा मेन जिहड़ा मकसद है, साडे MLA साहब ने, राणा इंद्र प्रताप सिंह होणा ने, बन्न नूं ब्यास वाली साइड तों बन्न नूं तोड़ के लोकां दे विच इक गलत प्रचार किया है कि मैं बहुत लोगों का भला किया। मैं वो तुहानूं सारी जिहड़ी वो हालात दसने चाहुंदा। कुछ लोग विरोध करते हैं किते भी, चाहे वह कोई पुली छड्डो, चाहे कोई गेट खोलो, कुछ लोग जिहड़े उहदे हक च हुंदे आ। सो फैसला एडमिनिस्ट्रेशन ने लैणा हुंदा, एक्सपर्ट बंदे उन्होंने फैसला लेना होंदा। होया कि जदों नसीरेवाल दे कोलों, मंडियाले दे कोलों बन्न टुटिया, तो साढ़े हल्के दे विच पानी बहुत ज़्यादा आ गया। तकरीबन साढ़े 25 पिंड जिहड़े ने वो हड़ां दी मार थले आए है, और वो पानी जिहड़ा अगे जा के जमा हो जाता है। काफ़ी पिंड, 5-7 पिंड ने जिथे जाके ज़्यादा जमा हो जाता, और वो पिंड जिस तरह चन्नणविंडी, वाटां वाली, शाह वाला, इहो जिहे पिंड ने जिथे मतलब 8-8, 7-7 फुट तक भी पानी जिहड़ा वो खड़ा हो गया सी। और साडे वलंटियर, एडमिनिस्ट्रेशन, असी सारे रल के तकरीबन 8 दिन तो जदों दा हड़ आया, असी दिन रात एक कीता, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को मुश्किल चो कढ रहे हैं। तो साढ़े MLA साहब कनेडा तो घूम फिर के आते ने, और उसे दिन आके शाम नूं बन्न तोड़ देंगे। बन्न तोड़न का विचार किया जा रहा सीगा, पर जिहड़ा सब तो ज़्यादा अफेक्टेड पिंड सीगा चन्नणविंडी, वो वाटां वाली, 3-4 पिंड दे वसनीकां नाल सलाह की, असी सियाने बंदियां नाल सलाह की कि इहनूं बन्न नूं तोड़िया जाए कि ना तोड़िया जाए। वह कहिंदे रहिण दिओ, तोड़ो ना, क्योंकि जे ब्यास दरिया दे विच पानी ज़्यादा आ गया जां सतलुज च आ गया तो वह पानी का पद्धर उपर वध जांदा, तो वह बैक मारदा है पानी। जिहड़े गेट लाए आ, 6 गेट ने, 6 गेट जिहड़े ने वह इसे काम वास्ते लाए ने कि जे पानी इधरों उधर जा सकता होवे ते इन्हां नूं गेटां नूं खोल दिता जांदा है। जे नहीं जांदा ते मोटरां लगियां ने, मोटरां नाल पंप आउट करन दी जिहड़ी है कोशिश कीती जा सकदी है। जिस दिन इन्हां ने बन्न नूं तोड़िया, उस दिन असी गेटां ते जा के आए हां, असी कोल खड़े सीगे। सानू अजे तक नहीं सी पता लग रहा कि पानी जे गेट नूं असी उपर कीता ते पानी जिहड़ा वो इन्हां पिंडां वल आऊगा जां ब्यास च निकलूगा, पर असी हौली 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 जदों चकाया ते थोड़ा थोड़ा पानी जिहड़ा उह दरिया वल नूं जा रहा सी, क्योंकि दरिया दा ते इस पानी दा पद्धर आलमोस्ट बराबर सीगा। और अगले दिन जिहड़ा, क्योंकि उधर साढ़े संत बलबीर सिंह जी सीचेवाल हुणी, सारी टीम एडमिनिस्ट्रेशन उधर लगी सी, मेन रोल जिहड़ा संतां दा सीगा, उह पानी नूं बंद कर रहा सीगा। उह बंद जिहड़ा उहदी उन्हों जिहड़ा टुट्टा सी उन्हों बन रहे सीगे, और पिछों भी पानी घट गया सीगा। हुण गल यह कि उहदे नाल जिहड़ा पानी आउणा घट हो गया सी, इधरों 5 गेट जिहड़े ने उह खुल्ले सी, पानी अगे जा रहा सीगा। हुण जदों इह ते 1-2 दिन ते मसला हल हो जाणा सी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जदों पिछों पानी आउणा बंद हो गया, गेटां राह जिन्ना जा रहा है वह दरिया दे विच निकल रहा पानी, वह पानी का पद्धर नीचे आ रहा सीगा। और गेटा लाण दा मतलब यह हुंदा है जे बाई चांस फिर पानी वधदा, उधरों बन्न बंद हो गया ते गेटा रा जा रहा, जे आउण दा खदशा होवे वापस ते उस वेले गेट बंद कर दिते जांदे तां कि उत्थों पानी जिहड़ा फिर मार ना करे। इसे करके 4 पिंडां दीआं 5 दीआं पंचायतां ने कहा सी कि जे बन्न ना तोड़ो, गेट चलते रहन दिओ। सो वह चलते रहे, चल रहे सी गेट, जदों इन्हां ने हुण तोड़िया। अज भी तुहानूं मैं इक गल कहिंदा वां, जे किते रब ना करे ब्यास च पानी वध जाए पिछे बरसात दे नाल, सतलुज च वध जाए, पानी दा पद्धर उच्चा हो गया, तो वह बन्न दे थां रस्ते जिहड़ा पानी है वह इन्हां पिंडां नूं ही मार करूगा।
सो इस करके इन्होंने बिना दसे बिना पुछे बिना कोई सलाह किए सिर्फ अपनी सियासत चमकाने लिए उतों आए लाड़ा लाड़ा करके दो बंद पिंड जेडे उधरले पिंड जिन्होंने पता भी नहीं है भी इतने की हालात ने उधरों साडे इधर महमदवाल खीरां वाली उन्होंने तो भी बंदे बुला के लाला लाला करके ते बन तोड़ दिता। सो जे असी कुछ क लोगों की मंग के उत्ते ये बन तोड़ना तो कल जोड़ा सतलुज के भी लोगों दिया जमीन ने ब्यास के भी लोगों दिया जमीन ने कल कोई कहूगा अं उतों पर तलवंटी के लागे बन तोड़ दी है पर बगू गट्टा वो नाल लगे पर तुसी बन दे पानी यदा मतलब वो भी तोड़ के कहे भी साड़िया इतने फसल खराब हो रही ने पानी जोड़ा बहरले लोगों को मार देंगे। सो कायदा कानून होंगे महकमा जोड़ा वो सारा एक्सपर्ट उन्हों पता है डीसी साहब इतने दिन रात उन्होंने की है एस डी एम तहसीलदार डी एस पी एस एस पी साहब केड़ा अफसर नहीं जोड़ा इतने दिन रात उन्होंने एक नहीं किया। सो मौके दे इन्हों तो हालात का भी नहीं पता भी कि पिंड पानी आया कि नहीं आया क्योंकि आए ही नहीं इतने आ एक दिन आए बस उदन स्यापा पा के दस दिता हूँ की नुकसान होया हूँ तुसी बन टुटन के नाल अदर उधर जो पांच पिंड ने चार पिंड ने वह बिल्कुल कनैक्शन कट्टिया गया उन्हों का उत्थे सिर्फ किश्ती जा सकती है हूँ अज की डेट के किश्ती भी नहीं चलनी क्योंकि पानी का पद्धर नीचे हो गया और किश्ती भी नहीं चलनी गड्डिया नहीं जा सकदियां कोई ट्रालियां नहीं जा सकदियां असी ट्रालियां दे रहा गड्डियां दे रहा राशन पहुंचा रहे सीगे रात मैनूं फोन आ रहे ने मनिंदरपुर तो दूजे पिंडां चों आ रहे ने सानूं राशन पहुंचाओ सानूं आ चीज़ पहुंचाओ वह कट्टण नाल उहनूं उहदा कनैक्शन ही कट दिता उहदे नाल इत्थे वह किहड़ा पिंड सी जिथे आपां बन बन के आए वह टुट चलिया सी अलूवाल दूसरा रस्ता अलूवाल साइड ते पर इधर पानी सीगा उधर सड़क टुट चली सी इतों 2-3 हज़ार बोरा असी भेजिया और उस सड़क के उत्ते बन के उतों टुट चली सी सड़क असी बचाया फर्ज कर लो कि वह भी टुट जाती है सड़क भी टुट जाती है उधरों इन्होंने तुसी जी वह तोड़ दिती है साढ़े कई पिंड जड़े ने वह बिल्कुल इन्हों साड़ी पहुँच ही बंद हो जानी सी असी कुछ कर ही नहीं सकते। सो ये बिना सोचे समझे सिर्फ एक प्रचार कर इन्हों अपनी वो जी गैर हाजरी है जो हालात ठीक हो गए आलमोस्ट ठीक हो गए ने उदों आण के तो सारी गड़बड़ जी है उन्होंने कर दिती है। बाकी होर हाँ हुण इस तरह कि इन्हों बन ते तोड़न का पता लग गया इन्हों जदों कपूरथले जिले तो इन्हों पिता जी सत्कारयोग राणा गुरजीत सिंह जी सिंचाई मंत्री भी रहे ने कुछ देर असर रसूख वाले चंगे कैबिनेट मंत्री रहे ने इन्हों उदों इन्हों दियां मिली भुगतां दे नाल इत्थे माइनिंग होंदी रही है गलत माइनिंग होंदी रही है जिदे करके आ सारियां प्रॉब्लम जिहड़ियां आ रही ने उदों इन्हों नूं इत्थे गेट लवा दिंदे ते जदों मर्जी जदों अंदर नूं पानी आवे उहनूं बंद कर लो नहीं ते उहनूं खोल दिओ ਇਹ ਗੇਟ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੱਡੇ ਹੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਨ ਕਿ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਲਾਲਾ 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 ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਡਰੇ ਤੇ ਸਹਿਮੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਦਾ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਲੋਕੀ ਸਹਿਮੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਕੌਣ ਬੰਦ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮੂਦਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਹਤ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਘਨ ਪਾਤਾ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਆਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੋਂ ਪਾਣੀ ਗੇਟਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
समझ लो चार किले डुबन डे अगले पांच पिंड उजाड़ दो कोई गल नहीं चार किले अपने बचा लो लोकी तो इदा इदा फिर खुली छुट्टी दे देंगे भी वन तोड़ना जिहड़ा है ये बहुत वड्डा जुर्म है कि बिना सोचे समझे जिहड़ा वह तोड़ देना ये मैं कहना भी अपनी सिर्फ ते सिर्फ सियासत चमकाने लई उत्थे पेड बंदे बैठे है सोशल मीडिया के उत्ते उन्हूं हीरो बनाने लई भी बहुत वड्डा काम कर दिता है इत्थे आण के मेरे सामने मेरे चलो तुहाडे नाल सांझी मैं चैलेंज करदा मेरे सामने आण के इत्थे गल करे भी इहदा फायदा की नुकसान की है तुहानूं ते पता ही कख नहीं है भी कित्थे पाणी आया कित्थे नहीं आया अज असी ते 10 दिन हो गए कोई असी सुते नहीं आ साडी टीम नहीं सुती असी अगों सोच रहे हां भी इहनां दा की करना है इहनां नूं कल नूं इहनां दे झोने मर गए ने असी आ साडी टीम जिहड़ी है धड़ाधड़ पनीरियां बीज रही है असी हर एक चीज का ख्याल हो रहे ने कल ट्रालियां लैके 6-6 फुट पानी दे विच पिंडां च जिहड़े ने उह समान पहुंचा रहे ने ते कम ते आ है करन वाला कम है बन तोड़ दिओ बन आ कर दिओ ओ कर दिओ इह ते बिल्कुल बुरशागर्दी गुंडागर्दी जिस तरह की कपूरथले ते चलदी चल रही है उसे तरह की इत्थे आण के सुल्तानपुर च गुंडागर्दी शुरू कर दित्ती है सो ये हुण जिहड़ा ये मत समझण कि लोग जिहड़े ने इहनां नूं टाइमली ते कर सकते हैं पर इन्हों लोगों को बुद्धू नहीं बनाया जा सकता सो लोग हुण अजकल पूरे समझदार ने बन नूं हुण ते नंबर एक ते असीं हुण करांगे जिन्ना चिर पानी निकलता असीं उस बन नूं जदों पानी वापस मार करना है औखा काम है औखा काम इन्हां ने कर दिता है अज उन्हां ने पहाड़ एक टप लाए अज 4-5 गुणा ज्यादा वह पानी दे नाल चौड़ा हो गया ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ 50 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬੰਨ ਲੈਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਬੰਨ ਲੈਣ ਜਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਨਣਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਹੀਰੋ ਬਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 1 ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ 9 ਪਿੰਡ ਬਚਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15-20-25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਨ ਵੱਡਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ बिलकुल बनावांगे ये मैं अज प्रेस दे सामने मैं कह रहा ये सारिया गल्लां मान साहब दे ध्यान दे विच लैंदियां ने मैं मान साहब आए सी सारिया गल्लां अज तो बाद कदे इस हल्के दे विच हड़ नहीं आऊगा ये मैं बैठा बड़ी जिम्मेवारी नाल कह रहा कदे भी हड़ नहीं आऊगा इस इलाके दे विच असी जिहड़ा पानी मीह दा उहनां पिंडां दे विच इकट्ठा हुंदा उधरों बन ना भी टुटे इहनां दा आ पिछले इधरले इलाके चो जाके पानी भी ज्यादा हो जाता है असी मोटर लावांगे गेट लावांगे मोटर पंप आउट करके पानी जिहड़ा उन्हूं व्यासा च सुट्टन दा जिहड़ा इंतजाम असी करांगे ये पिंड जिहड़े 10-15 पिंड ने इन्हां नूं इस तरह बचावांगे बाकी जिहड़े बन्न मजबूत करने सफाई करनी दरियावां दी उन्हां नूं उहदे विच जिहड़ी अगे पल जम्मी है हरीके दे विच सारी कढ़नी ये मान साहब दे ध्यान दे विच लिआंदी है और मैनू यकीन है 100% यकीन है कि मान साहब जिहड़े ने कदे ये हड़ नहीं आउण देणगे इस इलाके दे विच ते ये तो सिंचाई मंत्री रह के भी इन्हां दे कदे समझ नहीं आई अज सरकार जिहड़ी है बहुत वधिया काम कर रही है मान सरकार दा कोई मुकाबला नहीं साडे सीएम साहब चिक्कड़ दे विच वड़ वड़ के घरां दे विच इस तरह वड़ वड़ के जिहड़े ने लोकां दीआं मुश्किलां सुन रहे ने और उत्थे ही ऑर्डर कर रहे ने अज सारे पंजाब दी जे एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ी है पब्बां पर होई पई है ते सिर्फ मान साहब करके हुई है आम आदमी पार्टी दी सरकार करके हुई है बिलकुल जी बिलकुल असी जिन्ना फसलां दा नुकसान होया मुआवजा दवावांगे जिन्ना दा घर टठे ने उन्हां दे घरां लई उन्हां नूं पैसे देवांगे असी पनीरी दा इंतजाम कर लिया असी एक एक मुश्किल नूं जाणदे आ असी कोई मुश्किल नहीं आउण दिंदे सुल्तानपुर हलके दे लोक जिहड़े ने ना ये अपने निश्चिंत हो जाण असी उहनां दे नाल खड़े आ दिन रात नाल जी मैं साहब जिहड़ा पाणी दा मुख स्रोत रिहा इधर आउण दा सुल्तानपुर लोधी हलके दे विच ओह फिरोजपुर जलंधर मार्ग 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਪੁਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਦਬਾਅ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਧਰ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਵਹਾਅ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਵਹਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ।